हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ सबसे ज़्यादा बोलने वाले सेंटेंस वाक्य जो होते हैं उनको, जिनको हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बार बार बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन, गुस्सा थूक दो। कभी भी किसी को गुस्सा आता है या कुछ भी ऐसा होता है तो हम बोलते हैं ना, गुस्सा थूक दो, यानी कि अपने गुस्से को स्पिट आउट कर दो। स्पिट अवे द एंगर, स्पिट अवे द एंगर। गुस्सा थूक दो यानी कि स्पिट अवे द एंगर। नेक्स्ट है, कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है, व्हाट अ शेम। कितनी शर्म की बात है, व्हाट अ शेम। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो भी, ये जो सेंटेंस है ना, ये सारे के सारे ऐसे सेंटेंस है जिन्हें हम वाकई में यूज़ करते हैं। कितनी शर्म की बात है, ये ऐसा नहीं है कि आप ये किसी बड़े को ही बोल सकते हो। कोई छोटा सा बच्चा है ना, उसने नमकीन वगैरह गिरा दिया, कुछ भी कर दिया, आप उसको बोल सकते, कितनी शर्म की बात है ना, व्हाट अ शेम, तुमने ये काम कर दिया। इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं। वो बहुत पतला है, ही इज़ सो स्किनी। थिन भी बोलते हैं, बट जो आदमी बहुत ज़्यादा पतला होता है उसके लिए हम स्किनी वर्ड यूज़ करते हैं। तो ऐसा नहीं है सिर्फ आदमी के लिए, अगर आप कोई गर्ल है तो वहाँ पर हम शी इज़ सो स्किनी यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, गाड़ी से उतर जाओ, गाड़ी से उतर जाओ, गेट ऑफ द कार। गाड़ी से उतर जाओ, गेट ऑफ द कार। नेक्स्ट जो सेंटेंस हमारा वो है, मेरा ऐसा मतलब नहीं है। इसे हम बहुत ज़्यादा बार बोलते हैं, क्योंकि कई बार हम बोलते कुछ और हैं और सामने वाला कुछ और समझ जाता है। आई डोंट मीन इट, आई डोंट मीन इट, मेरा ऐसा मतलब नहीं है, आई डोंट मीन इट। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ, यानी कि मुझे पहले से अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बोलने का मतलब यही हुआ ना, बेहतर महसूस कर रहा हूँ, यानी कि पहले से अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आई फील मच बेटर, आई फील मच बेटर। ये मेरे लिए बड़ी बात है, इट्स अ बिग डील फॉर मी। ये मेरे लिए बड़ी बात है, ठीक है, इट्स अ बिग डील फॉर मी। आप चूज़ कर सकते हैं आपको किस तरीके से किस सेंटेंस को बोलना है, बहुत इजी होता है, बट किस सिचुएशन में बोलना है वो बस ध्यान रखना होता है हमें, क्योंकि कई बार मीनिंग कुछ और होता है, हम वहाँ पर उसे यूज़ कर देते हैं। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, यूज़ योर ब्रेन, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। आई होप ये जो जितने भी सेंटेंस हैं आपको खुद से फील हो रहा होगा कि हाँ, इन्हें हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं। ये हुई ना बात, ऐसा हम हमेशा बोलते हैं ना, आपके घर में छोटा बच्चा भी, आप उनसे भी बोल सकते हैं ये वाले सेंटेंस जो है, दैट्स द वे, दैट्स द वे। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, जैसे बहुत बार हो गया ना कि किसी ने कुछ बताया, हमें नहीं समझ में आ रहा, इसका क्या मतलब है, दोबारा से रिपीट कर दो, व्हाट डज इट मीन, प्लीज़ रिपीट इट। ऐसे भी आप बोल सकते हैं, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। सिंपल हमें समझ में आ रहा है कि ये हमारा फ्यूचर टेंस है, मदद करूँगा आ गया ना, सो आई विल हेल्प यू। ये सिंपली सबको पता होता ही है, बट फिर भी क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं सो मैंने लिया है इसको। कोई नहीं आया, कोई नहीं के लिए हम यूज़ करते हैं नो बडी। आया यानी कि केम, नो बडी केम, कोई नहीं आया, नो बडी केम, कोई नहीं आया। मुझे दोनों पसंद है, आपके सामने चॉइस रख दी जाती है ना, दोनों में से कुछ भी ले लो, तो आप इजीली सिंपली बोल सकते हैं आई लाइक बोथ, आई लाइक बोथ। बोथ यानी कि दोनों के लिए। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस वो है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, जिसे हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं वो है, कुछ तो बोलो। ऐसा होता है ना कई बार कि कुछ तो बोलो यार, अच्छा बोलो, बुरा बोलो, कुछ तो बोलो, से समथिंग। से मीन्स बोलना, समथिंग यानी कि कुछ तो या कुछ भी, ठीक है, से समथिंग, कुछ तो बोलो या कुछ भी बोलो। मुझे पर छोड़ दो, मुझे घर छोड़ दो, मुझे घर छोड़ दो। घर छोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं ड्रॉप करना, ठीक है, घर छोड़ने के लिए, स्कूल छोड़ने के लिए, हॉस्पिटल छोड़ने के लिए, मुझे ड्रॉप कर दो, यानी कि ड्रॉप मी होम, ड्रॉप मी स्कूल, ड्रॉप मी हॉस्पिटल, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। आपकी उम्र लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग। ये हम किसी के बर्थडे वगैरह पर भी विश कर सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ये तो होना ही था, ये तो होना ही था, बोलते हैं ना दिस हैड टू हैपन। जो चीज़ हमें लगती है ना पहले से कि अरे वो ऐसे ऐसी बातें करती है ना, उसके साथ तो ये होना ही था, यानी कि दिस हैड टू हैपन, दिस हैड टू हैपन। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, पैर घसीट कर मत चलो। बहुत बार होते हैं ना घर में बच्चे हैं छोटे, या कभी कभी बड़े भी ना ऐसे करते हैं, पैरों को ऐसे धीरे धीरे घसीटते हुए जाते, तो
डोंट ड्रैग योर फीट, डोंट ड्रैग योर फीट, पैर घसीट कर मत चलो। नेक्स्ट सेंटर है, सच हमेशा कड़वा होता है। इसको तो हम एक तरीके से ये हमारा फ्रेज नहीं इडियम बोलते हैं ना, ये वही है, सच हमेशा कड़वा होता है। द ट्रुथ इज ऑलवेज बिटर, द ट्रुथ इज ऑलवेज बिटर, बिटर मीन्स होता है कड़वा, ऑलवेज मीन्स हमेशा, ट्रुथ मीन्स सत्य। तो सिंपली हमें समझ में भी आ गया, आप क्या करते हो ये ज़रूरी नहीं है कि हमें किसी बड़े से ही पूछना है, ठीक है, हम छोटे से बच्चे से ही पूछ सकते हैं। और हमें अगर अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है तो हम छोटे से बच्चे से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि वो आप पे फिंगर नहीं करेगा कि तुमने ये गलत बोल दिया। व्हाट डू यू डू, हाय बेबी व्हाट डू यू डू, इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं छोटे से बच्चे से, कोई भी जो भी आपको मिलता है। आपको शांत रहना होगा, आपको शांत रहना होगा, यू नीड टू रिमेन काम, यू नीड टू रिमेन काम। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा सॉरी, क्या बकवास है, व्हाट अ नॉनसेंस, क्या बकवास है, व्हाट अ नॉनसेंस। किसी ने कोई ऐसी बात बोल दी जो हमारे मतलब से बाहर है या हमें पसंद नहीं है, ठीक है, ऐसा होता है ना कई बार कि किसी के लिए कोई बात अच्छी हो सकती है बट मेरे लिए अच्छी नहीं है, तो क्या बकवास है, मैं बोलूँगी व्हाट अ नॉनसेंस, छोड़ो यार। इस तरीके से हम इन सब सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, अपनी जीभ पर नियंत्रण रखो, यानी कि जो तुम बोल रहे हो ना उसको बोलो मत। इस तरीके से बोलते हैं ना कि माइंड योर टंग या फिर कंट्रोल योर टंग, इस तरीके से दोनों ही चीज़ें हम बोल सकते हैं, माइंड योर टंग या फिर कंट्रोल योर टंग, अपनी जीभ पर नियंत्रण रखो। वो हकला रहा था, हकलाना, मैंने आपको एक लास्ट वीडियो में भी वर्ड मीनिंग दी थी तब भी बताया था ना, ही वॉज स्टमरिंग, स्टमरिंग, ही वॉज स्टमरिंग या शी वॉज स्टमरिंग। अगर वो हकला रहा, हकला रही है या रहा है तो शी इज स्टैमरिंग या ही इज स्टैमरिंग। तमीज़ में बात करो, यानी कि अच्छे से बात करो, तरीके से बात करो, उल्टा सीधा मत बोलो। बिहेव योर सेल्फ, बिहेव योर सेल्फ, मुझ पर विश्वास करो, ट्रस्ट मी या ट्रस्ट मी, मुझ पर विश्वास करो, ट्रस्ट मी। सिंपल सिंपल सेंटेंस है, आई होप ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं होगा जो आपको ऐसा लगे कि इसमें से आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। तुम कितने सुस्त हो ना, हमारी फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई एक ऐसा होता ही होता है, तुम कितने सुस्त हो ना, यू आर सो डल, यू आर सो डल, मुझे शांति से जीने दो, लेट मी लिव पीसफुली, मुझे शांति से जीने दो। ये ना मम्मियाँ ज़्यादातर बोलती है जब बच्चे इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो लेट मी लिव पीसफुली। आई होप ये जितने भी सेंटेंसेस आपके काम के होंगे, ऐसा कोई सेंटेंस मैंने पिक नहीं किया है जिसे आप बोल नहीं सकते हैं। आपका फेवरेट सेंटेंस कौन सा है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो कैसा लगा है वो भी ज़रूर बताइएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।